गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे कैसे तैयार हो रही हूँ। एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं बाइक पे और हम लोग आज जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने। जय माता दी। हम जा रहे हैं मनसा देवी, तो आज का व्लॉग मैं वहीं का बनाने वाली हूँ। मनसा देवी का ये मैंने इसलिए कवर किया है क्योंकि बाइक पर ना ठंड लगने वाली है, हवा लगती है, तो इसलिए मैंने कवर कर लिया है। और हम लोग आज जा रहे हैं, माता रानी ने हमें परमिशन दी है, हमें आज्ञा दी है आज, और होप करते हैं कि अच्छे से हम माता रानी के दर्शन करके आए। जय माता दी। आप लोगों के साथ मैं अपना व्लॉग शेयर करूँगी कि कैसे हमने आज वहाँ पे दर्शन किए माता रानी के। वैसे अंदर शायद कई जगह अलाउड नहीं होती है, ये क्या बोलते हैं फोटोग्राफी वगैरह मना होता है। ये व्यू भी आ गई है, ये भी रेडी हो चुकी है। तो ठीक है गाइस, बाकी मैं आज का व्लॉग आपको बाद में दिखाती हूँ। जय माता दी। बोलो जय माता दी। ठीक है गाइस, ओके गाइस। बूझो ये देख रहा है, जब हमने कुछ काम से जाना होता है ना, कोई भी बाहर जाते तो ऐसे देखता है। बट क्या है ना कि हम इसको लेके जा नहीं सकते हैं अपने साथ कहीं, बाइक पे कहाँ लेके जाएंगे इसको, तो ये ऊपर देखो। बूझो देखो देखो कैसे देख रहा है। बूझी। चलो ठीक है गाइज, हस्बैंड आ गए हैं, हो गए हैं रेडी और हम चल रहे हैं बाइक पे। ये पीहू है यहाँ पे हमारी, तो ठीक है गाइज। और यहाँ पे माता रानी है हमारी, शीतला माता रानी और भोलेनाथ जी के शिवलिंग है यहाँ पे। जय माता दी। अभी ना इसमें क्लियर नहीं आ रही है माता रानी की फोटो, पर माता रानी क्लियर है अब। ठीक है गाइस, जय माता दी, जय भोलेनाथ, जय माता दी। गाइस हम आ चुके हैं फाइनली माता रानी के मंदिर में, माता मनसा देवी मंदिर। ये देखिए यहाँ से पीछे से मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, अभी फ्रंट से मैं दिखाऊंगी। हम लोग आगे आगे चल रहे हैं, ये पीहू चल रही है, पीहू के पापा चल रहे हैं और मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ अभी, तो अभी मैं नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि मैंने फ्रंट कैम नहीं किया हुआ है। ये देखिए ये माता रानी का मंदिर। आइए गाइस मैं आपको दिखाती हूँ। जय माता रानी। पहले तो आ रही हो जैसे ले ले आओ आओ। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, देखो पीहू को कहा जा रही है पीहू इधर आओ। यहाँ पे ना अपने बच्चों का ध्यान रखे, काम काम काम। चलो तुम चलो, मुझे तो गाइस ये है माता रानी का मंदिर और हम आ गए हैं मंदिर में। अभी पीहू और पीहू के पापा ही बोल रहे हैं हम यहाँ पे शूज निकाल लेंगे, शूज निकाल रहे हैं। मैं ऊपर की तरफ निकाल के आ गई थी, ये दोनों आगे हैं और मैं इन्हीं का वेट कर रही हूँ अभी। कहाँ गए वो रे, दिख के दिख के। अभी इन दोनों का वेट हो रहा है, उसके बाद हम लोग मैं आपको आगे का ब्लॉग दिखाऊंगी। तो ठीक है गाइस, आप लोगों को भी दर्शन करवा देती हूँ माता रानी के। अभी शायद फोटोग्राफी बताती हूँ, ये देखो यहाँ से। ओए मत्था तो टेकी। चलो ठीक है गाइस, जय माता दी, जय माता रानी, जय माता दी। चलो यहाँ से वो किया हुआ बंशद, ये देखो गाइस यहाँ से बीच में आप लोग देख रहे हैं, यहाँ से गोल गोल बीच से हम लोग घूम के जाते हैं। अभी फिलहाल मैं, मेरे हस्बैंड और पीहू हम लोग चलो चलो। यहाँ पे एक डॉगी भी सोया हुआ है। जय माता दी। वहाँ पे मत्था टेको पहले, उधर माता मनसा नाथ। जय माता दी। यहाँ पे मनसा नाथ जी का भी मंदिर है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये रहा जय मनसा नाथ जी। जय माता दी। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टेयर्स है माता रानी के मंदिर की। पीहू आगे की चल रही है, ये मेरे हस्बैंड यहाँ पे चल रहे हैं। लाइन लग गई ना, मैंने बोला था ना आपको।
ये देखिए गाइस, अंदर की तो मैं बना नहीं सकी ना प्रॉपर तरीके से वहाँ से, क्योंकि मना किया हुआ था मैंने। यहाँ ये देखिए, ये मंदिर के साइड वाला रास्ता है। मैं पकड़ लेता हूँ, अभी खाना है। ये देखिए माता रानी के गाइज ये देखिए, यहाँ पे मंदिर कितना सुंदर लग रहा है। मैं वहाँ से पूरा नहीं बना पाई थी। यहाँ का पूजा भवन है एक्चुअली, माता मनसा देवी का जो मंदिर है ये यहाँ पे। दीपी यहाँ किस लिए प्रसिद्ध है कि माता सती? अरे मैं पूछूँ, इसके पीछे जो कहानी है माता के मंदिर की, इनको कुछ नहीं पता। ये ऐसे ना अपनी तरफ से बोलते रहते हैं यज्ञशाला की। मैं मंदिर की पूछ रही हूँ, आप कह रहे हैं यज्ञशाला। जो वो है, हाँ, एक महाराजा था गोपाल। हाँ माता रानी की फोटो है। चलो चलो, ये माता पटियाला मंदिर है। ये माता पटियाला मंदिर है मनसा देवी ने, ये गोपाल चंद, महाराजा गोपाल चंद ने बनाया था ये।
मंदिर यहाँ पे आप जो इच्छा मांगते हैं पूरी होती है, वैसे सब भगवान पूरी करते हैं, माता रानी सबकी इच्छा पूरी करती है। यहाँ पे एक पेड़ लगाया हुआ है, हमने कर लिए हैं माता रानी के दर्शन। जहाँ पे थोड़ी बहुत फोटोग्राफी में कर सकी वहाँ से मैंने आप लोगों को दिखा दिया था। अभी हम लोग जा रहे हैं घर वापस। तो पीहू को लगी है थोड़ी सी भूख और ये कह रही है कि मुझे लेने हैं झूले। जय माता दी, वंस माता दी। तो अब ये लोग जा रहे हैं, यहाँ पे एक है वीटा बूथ, वीटा बूथ की तरफ ये दोनों चले गए हैं, हस्बैंड और पीहू। और वहाँ सामने देखिए वहाँ पे भंडारा है। सुनो, ये देखो गाइस, ये आइए यहाँ पे कुछ खाना। जो बोला कि मुझे झूले लेने हैं तो ये यहाँ पे झूले ले रही है पीहू। और इसने जिद की मुझे यहाँ पे झूले लेने, मैं यहाँ पे चप्पल नहीं पहन के ही है, देखो अभी मैं ऐसी खड़ी हूँ नंगे पैर, तो अभी चप्पल ही लेके आ रही है, कह रहे थे झूले दिलाओ, मैं अभी लेके आ रहा हूँ तेरी चप्पल। और ये लेके आ गए हैं मेरी चप्पल। यहाँ पे देखो मार्केट भी लगी हुई है, देखो रख दो नीचे बोरी रख दो। मनसा देवी से वापस आ गए हैं, अभी चेंज नहीं किया है मैंने ना एक्चुअली ये डाल के देख रही थी, मैंने वहीं से लिए थे। ये देखो ये इयर रिंग्स है और इसके साथ है ये वाला, ये मैंने पूरा डाल के देखा था अभी ये कैसा लग रहा था। तो मुझे ये वाला अच्छा लग रहा था क्योंकि इसमें राधा कृष्ण है। और ये देखो ये पीहू के लिए ये लिया था हमने एक कीरी, ये पीहू को पसंद आया था, प्यारा है ना, आपको पसंद आया, सुंदर लग रहा है, आपको अच्छा लगा, हाँ प्यारा है ये वाला। और थोड़ा बहुत सामान हम और लेके आए थे वो मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ। हम ये लेके आए थे वहां से बाहर जो शॉप्स होती हैं ना बनी हुई पीहू, ये मतलब वैसे मुझे भी अच्छा लग रहा था, चाहे पीहू लगा लेगी इसे चाहे मैं लगा लूँगी हेयर बैंड। और ये पिंस ली थी, ये सस्ती सस्ती मिल गई थी हमें 20 का कुछ, 20 के थे आई थिंक हर चीज़ जहाँ तक मुझे लग रहा है। दो मैंने ये अपने लिए क्लचर लिए है, एक ये वाला लिया था और एक ये वाला बड़े वाला जैसे जूड़ा वगैरह बनाने के लिए गर्मियों में काम आ जाता है। और दो छोटे क्लचर लिए, ये मैंने वैसे पीहू के पर्पज़ से लिए थे कि पीहू के लिए ठीक रहेंगे, बटरफ्लाई की शेप में है। और एक मैंने अपने लिए ये लिया था, ये सब लिया। उसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ मंदिर में क्या लेके आए हैं। मंदिर में हम लेके आए हैं भोलेनाथ जी की ये वाली फ़ोटो, क्योंकि हमारे पास वैसे तो भोलेनाथ जी की ये वाली मूर्ति थी बट इसमें ना वो नहीं थे, क्या बोलते हैं उन्हें, कौन है, नंदी महाराज जी, बट इसमें नंदी महाराज जी हैं वो देखो वो रे। और उसके साथ ये बैल लेके आई हूँ, एक बड़ी अच्छी बात है इसकी। ये हमने अंदर शॉप खुली है अंदर की तरफ जहाँ पे माता का मंदिर है वहाँ से लेके आए हैं। और साथ में धूप लेके आई थी, ये सारा सामान हम अभी लेके आए हैं फिलहाल। और मैंने सोचा पहले मैं गाइस को दिखा दूँ, ये पीयू को पसंद आया था ये सारा सामान हम लेके, ये 50 का था इसका ये वाला जो है, पर इसको ये अच्छा लग रहा था, इसने कहा लेना है लेना है लेना है। और ये माता रानी का प्रसाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइज आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, वो मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी, अभी मैंने थोड़ा सा नेट पे भी सर्च किया क्योंकि मुझे थोड़ा सा पापा ने बताया हुआ था, वह वैसे मतलब पापा को तो नॉलेज भी है बट फिर भी थोड़ा डाउट था। इन्होंने भी ठीक बोला था कि महाराजा गोपाल थे जो मनी महाराजा के, उन्होंने बनवाया था एक्चुअली। इसके पीछे जो स्टोरी है वो वही थी जो मुझे लग रहा था, एक तो ये शक्तिपीठों में से एक है, दूसरा मुझे जो लग रहा था कि यहाँ पर माता सती का कुछ मतलब बॉडी पार्ट था जो यहाँ पर गिरा था जिसके बाद इसका निर्माण हुआ था। एक्चुअली क्या है कि उनका मस्तिष्क यहाँ पे गिरा था और उत्तर भारत के जो यहाँ वो है क्या शक्तिपीठों में से ये एक शक्तिपीठ है,
और यहाँ पे श्रद्धालु बहुत भक्ति से आते हैं, बहुत अपना मतलब होता है, डिवोशन होता है जो उससे आते हैं। और यहाँ पे माता रानी सबकी इच्छा पूरी करती है। माता रानी का आप लोग भी आइए यहाँ पे, मत्था टेकिए, बहुत अच्छी जगह है। और होप करती हूँ आपको भी आज का व्लॉग मेरा पसंद आया होगा। अब बस खाना वाना खाने के बाद अब मैं लेटी थी तो मैंने सोचा कि चलो व्लॉग को थोड़ा सा कम्प्लीट करती हूँ। बाकी गाइज होप करती हूँ कि आप लोग भी वहाँ पर जाएंगे, माता रानी आप लोगों को भी बुलाए, दर्शन दे, दर्शन करवाने के लिए आप लोगों को भी बुलाए। और आप भी अपना ध्यान रखिए। बाकी नेक्स्ट व्लॉग में फिर से मिलूंगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को अब मतलब लाइक्स जल्दी जल्दी कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा कीजिए। अब मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। ठीक है गाइज, बाकी नेक्स्ट व्लॉग में मैं फिर से आपसे मिलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बेस्ट स्वीट ड्रीम्स, क्योंकि टाइम हो चुका है सोने का। ओके गाइज, बाय।